ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑक्युलर इंजरीज। इसमें देखेंगे जो बेसिक ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज होती है वो, और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ऑक्युलर इंजरीज होती है वो। सबसे पहले जो ऑक्युलर इंजरी होती है वो ड्यू टू मैकेनिकल कॉज, ओके, मैकेनिकल इंजरीज। उस मैकेनिकल इंजरी में कौन सी आती है? एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरन बॉडीज, एक्स्ट्रा ऑक्युलर फॉरन बॉडीज की वजह से हो सकती है। दूसरी हो सकती है कंट्यूजन, ओके, ड्यू टू द ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर हिट करे या लाइक रॉड या फिर बॉल आके हिट करे तो उसके वजह से हो सकती है कंट्यूजन। तीसरी है परफोरेटिंग, पेनिट्रेटिंग, ओके, परफोरेट मतलब एक साइड से एंटरियर दूसरी साइड से पूरी एग्जिट कर गई, एंट्री और एग्जिट वन दोनों प्रेजेंट होते हैं। और पेनिट्रेटिंग में सिर्फ एंट्री हुई लेकिन बाद में उसको, बाद में वो मतलब हम जब किसी को स्टैब करते हैं, ठीक है, नाइफ से, तो हम चाकू मार के हम वापस निकाल लेते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी, जिसमें सिर्फ एंट्री वुंड प्रेजेंट होगा, एग्जिट वुंड नहीं होगा। ये होगी परफोरेटिंग पेनिट्रेटिंग। दूसरी होगी लेसरेशन। रोड साइड एक्सीडेंट्स में अगर जो छील जाती है हमारी स्किन, ठीक है, उसको बोलते हैं लेसरेशन। ये हो गई सारी मैकेनिकल इंजरीज। उसके बाद नॉन मैकेनिकल इंजरीज में कौन सी आती है? लाइक केमिकल इंजरीज, जिसमें एसिड्स है, अल्कलाई है, वो सब। उसके बाद हीट है, इसको थर्मल इंजरीज, लास्ट में इलेक्ट्रिकल इंजरीज, और अल्टीमेटली लास्ट में वो है रेडिएशन इंजरीज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सारी हो गई नॉन मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन। अब इसके बाद ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज कौन सी होती है? तो जिस जो ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज को हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बर्मिंगहम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी, ओके, बर्मिंगहम आई ट्रॉमा टर्मिनोलॉजी। अब इसमें ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ इंजरी आती है? वो होती है क्लोज्ड ग्लोब इंजरी। क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, क्लोज्ड ग्लोब इंजरी में क्या होता है? जो हमारी आउटर वॉल होती है विच इज फॉर्म्ड बाय कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ओके, एंटीरियर 1/6 कॉर्निया और पोस्टीरियर 5/6 स्क्लेरा, वो इंटैक्ट रहती है, उसको डैमेज नहीं आता, पूरा डैमेज नहीं आता। जो कॉर्निया, कॉर्नियो स्क्लेरल वॉल है, नॉट डैमेज फुल्ली, वो फुल्ली डैमेज नहीं हुई होती है, सिर्फ पार्शियली हुई होती है या फिर जरा भी नहीं हुई होती। इन शॉर्ट फुल थिकनेस डैमेज ऑफ द कॉर्नियो स्क्लेरा वॉल नहीं हुआ होता। अब हालांकि इंट्राओक्युलर इंजरी इंट्राओक्युलर डैमेज हो सकता है इस टाइप की इंजरी में। अब क्लोज ग्लोब इंजरी में दो टाइप की इंजरी आती है, एक है कंट्यूजन विच इज ड्यू टू द ब्लंट ट्रॉमा, इसमें जो कॉर्निया स्क्लेरा वॉल वो उसको डैमेज हुआ नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे इम्पैक्ट फोर्स के कारण उसके जो अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं आई के, वो सब डैमेज होता है, लेकिन कॉर्निया स्क्लेरा वॉल में डैमेज नहीं हुआ होता इन द कंट्यूजन विच इज ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा। उसके बाद आता है लैमेलर लेसरेशन। इसमें क्या हुआ था? पार्शियल लॉस ऑफ थिकनेस ऑफ कॉर्नियो स्क्लेरल वॉल। अब ये सपोज हमारी कॉर्निया और स्क्लेरा है, तो इसकी पूरी थिकनेस मतलब पूरा लेयर्स डैमेज नहीं हुआ होता, सिर्फ पार्शली ऊपर का डैमेज हुआ होता है, इसको बोलते हैं लैमेलर लेसरेशन। ये या तो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है लाइक रॉड, बॉल या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई पूरी क्लोज्ड ग्लोब इंजरी, ठीक है, इसमें कॉर्नियो स्क्लेरा वॉल डैमेज पूरी हुई नहीं होती, या तो थोड़ी हो सकती है या फिर कम्प्लीटली नहीं हो सकती, थोड़ी भी नहीं हो सकती या फिर थोड़ी हो सकती है। उसके बाद इंट्राओक्युलर डैमेज प्रेजेंट होता है, उसमें सबसे पहले इंजरी थी कंट्यूजन विच इज ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा में कॉर्नियो स्क्लेरा वॉल डैमेज नहीं हुई होती, लैमेलर लेसरेशन में पार्शियल लॉस ऑफ थिकनेस ऑफ कॉर्नियो स्क्लेरा वॉल, ठीक है, उसमें जो कॉर्नियो स्क्लेरा वॉल होती है वो पार्शियली डैमेज हुई होती है, पूरी नहीं। इट कैन बी ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा और शार्प ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ इंजरी है वो है
ओपन ग्लोब इंजरी। बिग ग्लोब का मतलब क्या हुआ? सिंपल कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल। ओपन ग्लोब है इसका मतलब कंप्लीट, कंप्लीट या फिर फुल डैमेज टू द कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल, कंप्लीट या फुल डैमेज टू द कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल। अब इसमें जो फर्स्ट टाइप की इंजरी है वो है रप्चर ऑफ द आई ग्लोब। रप्चर क्यों होता है? रप्चर में ऑब्वियसली फुल डैमेज टू द कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल होगा। इसमें होता कौन सी इंजरी की वजह से? ब्लंट ट्रॉमा। अब जो रप्चर है, रप्चर ऑफ द आई बॉल, वो किसकी वजह से, वो कौन से पेशेंट में होता है? ऐसे पेशेंट में जिसका इंट्राओकुलर प्रेशर हाई हो। इसकी वजह से जो आई बॉल होती है वो इजीली रप्चर हो सकती है, आई बॉल की जो आउटर वॉल होती है वो। इसकी वजह से जो मैकेनिज्म है इंजरी का, वो कौन सा मैकेनिज्म है? इनसाइड आउट इंजरी मैकेनिज्म। हो गया रप्चर, इसमें कंप्लीट और फुल डैमेज टू द आई कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल, इट इज ड्यू टू ब्लंट ट्रोमा, ऑकर्स इन पेशेंट हैविंग मोस्ट कॉमनली इन रेज्ड इंट्राओक्युलर प्रेशर, एंड द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज इनसाइड आउट इंजरी मैकेनिज्म। उसके बाद जो सेकेंड इंजरी है वो है लेसरेशन। लेसरेशन इसमें भी फुल थिकनेस डैमेज होगा ऑफ द कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल, इट इज ड्यू टू द शार्प ऑब्जेक्ट्स। रप्चर ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा, लेसरेशन ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट्स। इसकी जो मैकेनिज्म है वो होगी आउटसाइड इन इंजरी मैकेनिज्म। अब लेसरेशन में टोटल तीन टाइप की इंजरीज आती है। सबसे पहली थी जो देखी थी पेनिट्रेटिंग इंजरी, जिसमें जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है वो आईबॉल में एंटर करता है पर एग्जिट नहीं करता। वापस हम जब कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अगर आई बॉल में एंटर करे लेकिन दूसरी तरफ से एग्जिट ना करे, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी। ये तो पेनिट्रेटिंग इंजरी में एंट्री वुंड प्रेजेंट होता है, एग्जिट वुंड एब्सेंट होता है। अब ये कौन सा? शार्प नाइफ हो सकता है या फिर तलवार स्वॉर्ड हो सकती है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स। दूसरी इंजरी है वो है परफोरेटिंग इंजरी। इसमें जो कॉर्नियोस्क्लेरा है, जो ऑब्जेक्ट होता है शार्प ऑब्जेक्ट, वो एंटर भी करता है आई बॉल में और एग्जिट भी करता है। ये तो एंट्री और एग्जिट वुंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट वुंड दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द परफोरेटिंग इंजरी। तीसरी है वो है इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी। एक टाइप की पेनिट्रेटिंग इंजरी है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो कोई शार्प स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, लाइक पॉइंटेड स्टोन, इस टाइप के ऑब्जेक्ट होती है, लाइक बुलेट। उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो आई बॉल में एंटर तो करता है लेकिन दूसरी तरफ से एग्जिट नहीं करता, जो आई बॉल के अंदर ही रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी। जिसमें ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक शार्प स्टोन हो सकता है या फिर कोई बुलेट हो सकती है। ये सब हो गई ओपन ग्लोब इंजरी। सबसे पहले थी रप्चर, ओपन ग्लोब इंजरी में कंप्लीट या फुल डैमेज टू द कॉर्नियोस्क्लेरल वॉल। सबसे पहला टाइप रप्चर था ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा, मोस्ट कॉमनली इन पर्सन विथ हाई इंट्राओक्युलर प्रेशर, एंड द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज इनसाइड आउट। दूसरा लेसरेशन विच इज ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट, मैकेनिज्म इज आउटसाइड इन। लेसरेशन में टोटल तीन, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग और इंट्राओक्युलर फॉरेन बॉडी। ये हो गई पूरी ऑक्युलर टर्मिनोलॉजीज।